जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा है, अभी एम्स्टर्डम में निकला, ये पूरा दुनिया में होता है, मतलब अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, चाइना में होता है, फ्रांस में। मिंट राइस। जब लोग नॉर्मली रिटायरमेंट लेके घर पे बैठते हैं, उन्होंने स्पेशली वेस्ट में शुरू किया, स्पेशली यूएस में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं वापस एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में आज बहुत ही स्पेशल इवेंट है। आपने इंडिया में भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसके बारे में सुना होगा, लेकिन आपने क्या सुना है कि कभी नेदरलैंड्स में भी वो रथ यात्रा हो सकती है, तो वही रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किया गया है इस्कॉन एम्स्टर्डम द्वारा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि नेदरलैंड में भी रथ यात्रा होती है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपको भगवान जगन्नाथ की यात्रा में जब रथ यात्रा में वो रथ दिखाई देता है, ऐसे ही एक रथ बनाया हुआ है जिसमें तीनों भगवान विराजमान हैं। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया इस्कॉन एम्स्टर्डम द्वारा। तो चलिए देखते हैं। और साथ में ही यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टेज लगाया हुआ है, बैठने की जगह बनाई हुई है और वहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है। तो चलिए पास से जाके देखिए। तो ये देखिए, जैसे रथ के वहाँ पे पहिए बनाए होते हैं, ऐसे यहाँ पे इन्होंने रथ के पहिए बनाए हैं। तो आपको चारों तरफ से घूम के दिखा रहा हूँ। बैक साइड है, और यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, काफी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप कुछ खरीद सकते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई थाली चढ़ानी है या फिर जैसे चढ़ाना है तो यहाँ पे थाली भी मिल रही है। ये देखिए, इस थाली में सबसे फेमस है। Thank you. We have met a devotee, so let's try and ask him exactly यहाँ पे क्या हो रहा है। ये भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा है, एम्स्टर्डम में निकला, ये पूरा दुनिया में होता है, मतलब अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, चाइना में होता है, फ्रांस में, अफ्रीका में भी होता है। ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का है। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, आईसी भक्तिविनोद स्वामी प्रभुपाद जी, जो इंडिया से गए अमेरिका में। तो ये ओरिजिनल रथ यात्रा जो होता है, जो इंडिया से है, जगन्नाथपुरी ओडिशा में होता है। ये हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने विदेश में फैलाया ये रथ यात्रा, और आज सैटरडे 10th of September को यहाँ पे हम एम्स्टर्डम में ये फेस्टिवल, और हर साल तो आते रहते हैं, मतलब बेल्जियम में होता है, जर्मनी में होता है, फ्रांस में, सभी जगह में होता है, मतलब पूरा समर महीने में पूरा रथ यात्रा। अच्छा लगा देख के यहाँ पे, एटलीस्ट काफी पीसफुल है, काफी अच्छा लगा देख के। ये तो जगन्नाथ जी का कृपा है, नॉर्थ ऑफ यूनिवर्स देखो, पूरा रथ दिख रहा है। कल कितना बारिश का मौसम था, देखिए आपका मौसम क्या अभी है, उनका कृपा से, ये भगवान की कृपा से। वो वेदर फॉरकास्ट जो लोग देखते हैं कि ऐप पे देख रहे हैं, आज पूरे दिन बारिश दिखा रहा था, लेकिन अभी अब क्या है ये, कौन किसी का समझ में नहीं आता है। ये उनका कृपा है, ठाकुर जी का कृपा है, ये जगन्नाथ जी खुद आया। ये तो बेल्जियम से आया, जो ठाकुर जी मेरा है वो बेल्जियम राधा देश से आया। अच्छा, ये जो रथ है ये बेल्जियम से आया? हाँ, ये बेल्जियम में रथ जो ठाकुर जी है सब बेल्जियम से आया है। रथ यात्रा करके इधर रथ यात्रा करके निकल जाएगी, आज शाम तक फिर उनके मंदिर में जाएंगे। अच्छा, इस्कॉन राधा देश है हमारे मंदिर जो राधा देश में है। अच्छा, राधा देश बेल्जियम में? राधा देश बेल्जियम में। हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा बात करके, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, काफ़ी सालों से यहाँ से होता रहा है, तो बहुत अच्छा। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। तो चलिए हमको एक और डिवोटी मिले हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर क्या चल रहा है यहाँ पे? बस घूम रहे हैं, और देखा कि यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है। तो नॉर्मली मैं एक भगवद गीता रखता हूँ मेरे साथ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। हाँ हाँ, तो दैट अट्रैक्ट्स मी हियर टू गेट द वन भगवद गीता फ्रॉम मी। ओके ओके ओके, सो इट इज ऑलवेज एन भगवद गीता इज ऑलवेज विथ मी। यहाँ पे आपको क्या नया लगता है, या फिर आपको क्या मतलब ऐसा लगता है अलग है, या फिर आपको क्या चीज़ इंडिया की याद दिलाती है यहाँ पे? काफ़ी बड़ा इंडियन माहौल है यहाँ पर, और अच्छा लगता है कोई बाहर विदेश में अपने लोग मिल जाए और उनसे बातें कर रहे हैं। इससे बेटर क्या होगा कि हम दोनों नेदरलैंड्स में खड़े हैं। हाँ? इंडिया का प्रचार चल रहा है देखिए। हाँ? और रथ यात्रा के लिए पूरा जो उड़ीसा में रथ यात्रा थी उसका पूरा रथ आया हुआ यहाँ पे, कल्चरल परफॉर्मेंस चल रहे हैं एट द हार्ट ऑफ एम्स्टर्डम, एट द हार्ट ऑफ नेदरलैंड्स। मुझे उड़ीसा कभी रथ यात्रा जाना नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आके दर्शन होता है, लेकिन मतलब कितना कल्चर वास्ट है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। Yeah.
देखिए यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा है, प्रसाद ऑफ कोर्स फ्री में मिल रहा है, उसके अलावा जो और एक्जॉटिक खाना है यानी काफ़ी स्वीट डिशेस है या फिर कुछ और है वो थोड़े से पेड बेसिस पे है, पेड लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे है बेसिकली, ये जितना भी यहाँ से कमाई होगी वो सब डोनेशन जाएगी इस्कॉन टेम्पल को। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या क्या है और प्रसाद में क्या क्या है। सर आई एम जस्ट लुकिंग व्हाट एग्जैक्टली इट इज, और राइस मिंट राइस, ओके, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ प्रसाद विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, थैंक यू। सर ये क्या है, करी है, ये मिक्स वेज करी है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, काफी ज्यादा, ये भी प्रसाद का ही पार्ट है, राइस एंड करी, एंड वेजिटेरियन है, और ये मिल रहा है प्रसाद हलवे का। सर मैं देख रहा हूँ, जैसे आई एम लुकिंग व्हाट एग्जैक्टली इट इज, देयर इज अ स्वीट डिश, ओके, शीरा काइंड ऑफ थिंग, हलवा। ये क्या है सर? ये टमाटो चटनी है। अच्छा टमाटो चटनी है सर, यानी ये सारा ऑफ कोर्स एज अ प्रसाद है, सब फ्री मिल रहा है इधर से। तो अभी देखा मैं प्रसाद में क्या है, प्रसाद में क्या है, मिंट राइस है, वेज है, वेजिटेबल है, मिक्स वेज है, और मीठे में हलवा है या फिर शीरा जिसको बोल सकते हैं, और टोमेटो चटनी है। ये आपको बगैर किसी उसके मिल रहा है, यानी क्यू में लगी है सिर्फ, और आपको यहाँ पे कितना भी खाना है उतना खा सकते हैं। तो पीने में पानी के लिए रोप जैसा है लेकिन स्वीट वाटर जैसा है, टेस्ट करके बताता हूँ है क्या। जैसा स्क्वैश रहता है इंडिया में उसी टाइप से बनाया गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, गर्मी हो रही है तो पानी पीने में भी मज़ा आ रहा है, ठंडा और मीठा। तो एग्जैक्टली सर ये है क्या? सो दिस इज आवर रेस्टोरेंट गलौटी, वी आर लॉन्चिंग इट एंड टुडे वी आर डूइंग अ प्रमोशनल, सो यू वुड हैव ट्राइड द गलौटी कबाब ऑफ लखनऊ, राइट? So we have recreated the vegan version of that, okay. And we have combined curry and kebabs together. So it's called curry kebabs. So curry kebab is basically curry or kebab ko combination hai. So this is my partner. So this is Galotti that we are launching today. Thank you. So dekhiye, aapko mil raha hai yahan pe try karne ko. करी कबाब, बेसिकली करी कबाब है, आप ट्राई कर सकते हैं, दिखने में काफी अमेजिंग लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इज दिस पेड और इज दिस लाइक दिस इज पेड, बट द प्राइस इज फिक्स, प्राइस इज फिक्स, और दिस इज व्हाट, मसाले इडली, एंड दिस इज और देखिए कौन विश्वास कर सकता है कि एम्स्टर्डम के सेंटर में हिंदुत्व का ऐसा प्रचार होगा। वो रथ यात्रा जो भारत में बहुत फेमस है आज यहाँ पे देखने को मिली है मुझे, काफी अच्छा लगा देख के, काफी अच्छा पूरा रथ खड़ा है और परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं एजुकेशन के लिए, बुक्स मिल रही हैं फ्री, जस्ट थोड़ा सा डोनेशन देना है, और साथ में प्रसाद मिल रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्यू एन ए के लिए उन्होंने लोग बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है इस्कॉन एम्स्टर्डम ने। अच्छा लगा काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलने के बाद। सो इस्कॉन में रथ यात्रा एक्चुअली प्रभुपाद ने स्टार्ट किया था। सो प्रभुपाद ने एट द एज ऑफ 75, जब लोग नॉर्मली रिटायरमेंट लेके घर पे बैठते हैं, उन्होंने स्पेशली वेस्ट में शुरू किया, स्पेशली यूएस में, नॉर्मली वहाँ पे हिप्पी कल्चर था, तो उन्होंने हिप्पीज में ये कल्चर लाया कि रथ यात्रा लेके आते हैं, एंड द मोमेंट ही स्टार्टेड दैट रथ यात्रा, ये अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में चला गया। उन्होंने लगभग 10 साल के अंदर 100 से ज़्यादा टेम्पल्स बनाए पूरे वर्ल्ड में, एंड इफ़ यू सी एट दिस मोमेंट इस्कॉन इज मोस्टली हरे कृष्णा इज मीन प्रैक्टिस बाई मोस्टली द वेस्टर्न पीपल, एंड
If you see all these happy people are always happy. हम लोग काफी खुश हैं. More than 3,000 to 4,000 food distribution हमने किया है. अच्छा. और सबसे बड़ी यहाँ पे उत्सुकता लोगों को ये रहती है कि ये free में कैसे दे रहे हो आप. अच्छा. तो लोग उसके लिए काफी जानने के लिए आते. Even whether you are belonging to Christianity, whether you belonging to Hinduism, whether you are a Muslim, everybody came over and start taking that prasad. क्योंकि प्रसाद का टेस्ट इतना अच्छा है. जो डिवोटीज ने काफी प्रेम मन से बनाया मन से बनाया और वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ईच एवरीबॉडी सो दैट दे कैन गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड. दैट्स द पर्पस. काफी अच्छा लगा आज अपने फ्रेंड से मिलके. काफी टाइम बाद तो चलिए मिलते हैं. थैंक यू हरे कृष्ण. तो आज के कीर्तन में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मजा आया. कितना सोचा था कि यहाँ पे भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने को मिल सकती है. थैंक्स अ लॉट टू इस्कॉन एम्स्टर्डम फॉर अरेंजिंग ऑल दिस. और यही था आज का ब्लॉग. होपफुली आपको पसंद आया. वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें. एंड इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब देन प्लीज सब्सक्राइब एज वेल. तो मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में. टिल देन सी यू ऑल सून. टेक केयर. बाय बाय.